हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सीखा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन अब चैनल में। आज है 30 अप्रैल। चले देखती बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और एक बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, साथ देखें इसी जगह से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें एक नज़र। दोस्तों सबसे पहले पढ़ पा रहे यहाँ पर, देख पा रहे यहाँ पर एनसीटी का फैसला हुआ कि अगले साल से 4 वर्षीय बीएड कोर्स नहीं। जी दोस्तों देख पा रहे हो, अब आगामी वर्ष देख पा रहे हो 23-24 से 4 वर्ष इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, बीएससी, बीएड कोर्स में प्रवेश नहीं होगा। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ से स्नातक के पार्ट 3 17 से 21 एवं स्नातक पार्ट 3 स्पेशल परीक्षा 2021 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई। दोस्तों देख पा रहे हो 10 मई तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, वही पेंडिंग व फेल परीक्षार्थी भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अगला बार देख पा रहे हो राजस्थान मिथिला यूनिवर्सिटी से अगला बार की बीएड पार्ट फर्स्ट देख पा रहे हो कि परीक्षा 18 मई से होगा शुरू। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया शेड्यूल। देख पा रहे प्रतिदिन एक पाली में 2 बजे से 5 बजे तक ली जाएगी परीक्षा। परीक्षा आप सभी की 31 मई तक चलेगी। दोस्तों अगली बार देख पा रहे पटना यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए देख पा रहे इनरोल शोधार्थियों को विवि प्रशासन ने क्लियर कर दिया है कि अब रिसर्च सबमिशन में अतिरिक्त एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। वही देख पा रहे बिहार बोर्ड की 5वें दिन की कंप्लीमेंट्री परीक्षा से कोई निष्कासित नहीं हुई। दोस्तों अगली बार देख पा रहे 67 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 1083 केंद्रों पर होगी। देख पा रहे 38 जिलों में 8 मई को होगी। देख पर दोस्तों यहाँ पर आप सरकारी से लेकर निजी स्कूल उपलब्ध सुविधाओं का स्वयं मूल्यांकन करते हुए इसके ग्रेडिंग कर पाएंगे। वही देख पा रहे यहाँ पर अपडेट 67 बीपीएससी एग्जाम को लेकर अपडेट कि देख पा रहे जुड़वा बहनों ने भरा फॉर्म, माता पिता का नाम व जन्मतिथि समान होने पर रोका इनका एडमिट कार्ड। दोस्तों अगली बार देख पा रहे वी कौशल यूनिवर्सिटी आरक्षित अगले बेर के 56 अभ्यर्थियों ने स्पॉट 2 के तहत पीजी नामांकन के लिए कराई सीटें बुक। जी दोस्तों पीजी सेमेस्टर 17-20 से 22 में रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए शुक्रवार को स्पॉट 2 प्रक्रिया चली। अगली बार देख पा रहे हो तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से अपडेट के देख पा रहे हो अब नए वीसी की नियुक्ति के बाद ही वीवी में होगा गेस्ट फैकल्टी की बहाली। दोस्तों अगली बार देख पा रहे यहाँ पर जेपी यूनिवर्सिटी छपरा की तरफ से अपडेट के देख पा रहे हो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रमोशन पाने के लिए पीएचडी की डिग्री और 4 साल की सेवा अब जरूरी है। वो देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन की आखिरी तारीख आज तक है। स्नातक पार्ट फाइनल ईयर की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 25 अप्रैल से बढ़ाकर 28 अप्रैल तथा उसको बढ़ाकर 6 मई कर दी गई। वही देख पा रहे जेपी यूनिवर्सिटी में पीजी 17-20 से 22 फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन की तिथि छात्र में ध्यान में रखते हुए देख पा रहे 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। देख पा रहे दोस्तों अपडेट की 4395 परीक्षार्थी देख पा रहे हो वर्कशॉप में एडमिशन के लिए देंगे टेस्ट। आज शहर के 9 केंद्रों पर आयोजित होगी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। अगली बार देख पा रहे बिहार बीएड सीटी एडमिशन की बहुत बड़ा अपडेट की नामांकन के 5 दिनों में देख पा रहे 22773 का हुआ पंजीयन। देख पा रहे हो 2 वर्षीय बीएड व शिक्षा शास्त्री सत्र 2224 नामांकन के लिए। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो एलएनएम यूनिवर्सिटी दरभंगा की तरफ से अगली अपडेट के स्नातक पार्ट 2 के ऑनर्स एवं सब्सिडी विषय की परीक्षा 5 से 8 मई तक होगी। देख पर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, परीक्षा ही सारे कॉलेजेस में होगी। दूसरी बार देख पा रहे हो केंद्रीय विद्यालय 1 व 2 में मई पहली कक्षा में नामांकन के लिए लॉटरी निकालेगा। दूसरी बार देख पा रहे बिहार यूनिवर्सिटी अपडेट के देख पा रहे हो पलायन का संकट, वीवी के 46 संबंध कॉलेजों के एफिलिएशन देख पा रहे हो संकट में है, सेशन लेट तो मान्यता प्राप्त कॉलेजों में भी खाली रह जाएगी इस बार सीटें। दोस्तों अगली बार देख पा रहे मगध यूनिवर्सिटी के लिए अपडेट की मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह ने कहा कि छात्रों के स्नातक सेकंड ईयर का रिजल्ट समय पर जारी किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देख पा दोस्तों तो आप सभी का रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। देख पा रहे हो मगध यूनिवर्सिटी में जल्द जारी होगा स्नातक के छात्रों का रिजल्ट, कुलपति ने घोषणा की। पर यहाँ पर बिहार आई को लेकर बिहार आई प्रवेश परीक्षा देख पा रहे 29 मई को 2 तक भरे फॉर्म। जी दोस्तों देख पा रहे आप 2 तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं सरकारी आई में दाखिले के लिए। दोस्तों अगली बार देख पा रहे बीसीसीबी बोर्ड की तरफ से अपडेट के यहाँ पर देख पा रहे के तहत पीजी मेडिकल नामांकन काउंसलिंग 2021 मॉकअप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन व आवेदन फॉर्म जमा करने की शुरुआत शुक्रवार से हो गई। दोस्तों अगली बार देख पा रहे पटना वुमेन्स कॉलेज अगली अपडेट की पटना वुमेन्स कॉलेज में नए सत्र में नामांकन के लिए 1 मई से कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। देख पा रहे वही आवेदन देने की अंतिम तिथि 31 मई रखी गई है। देख पा रहे यहाँ पर नामांकन के लिए 1 से आवेदन 25 व 29 जून तक टेस्ट होगा। अगली बार दोस्तों देख पा रहे यहाँ पर कि तकनीकी व्यवसायी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने में देख पा रहे असमर्थ मेधावी छात्र घर बैठे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देकर स्कॉलरशिप पा सकते हैं। जी दोस्तों देख पा रहे इसके लिए ना आवेदन करना है ना ही परीक्षा शुल्क देना है। देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर KKVV आयोजित कर रहा है मेधा स्कॉलरशिप कार्यक्रम। उधर देख पा रहे पटना वुमेन्स कॉलेज अपडेट, पटना वुमेन्स कॉलेज की प्लेसमेंट देख पा रहे हो सेल में यहाँ पे 12 छात्रों का सिलेक्शन हुआ। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो पटना यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों और विभागों में नए सत्र से पहले 211 के फैकल्टी देख पा रहे बहाली हो जाएंगे। अगली बार दोस्तों देख पा रहे बीपीएससी 67th संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 8 मई को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच होगी। देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर 5 केंद्रों में आंशिक संशोधन किया गया।
दोस्तों अगली बार पटना से देख पा रहे, पटना से यूजी पीजी में एडमिशन को लेकर प्रक्रिया बहुत ही सुनने वाले देख पा रहे हो। स्नातक सब कितने सारे सीटों पर नामांकन होगा, वही बात करें पीजी में नामांकन 1 जुलाई से सुनने वाले हो। फुल टूटोज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। वही देख पा दोस्तों अगली अपडेट, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की तरफ से ई कल्याण विहार स्कॉलरशिप मेट्रिक और 10th 12th देख पा रहे हो। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के बैंक खातों में पैसा आना शुरू हुआ, 10,000 राशि चेक करिए दोस्तों आपके खाते में आया होगा। दोस्तों अगली बार देख पा रहे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की तरफ से अपडेट के दोस्तों, अगर मेट्रिक और इंटरमीडिएट अगर आपने किया है 2021-2020 में दोस्तों आप सभी स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, उसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है। किस प्रकार अप्लाई करनी है, क्या है पूरी प्रोसेस, जानने के लिए वीडियो को चेकअप करना होगा, ये वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स ये थे आज जो कुछ एजुकेशन अपडेट्स, वीडियो पस वीडियो को लाइक करें, इस तरह का डेली पाने के लिए आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो आज के इसमें इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।